సోయిలేక హ్యాండిల్ చేస్తే అట్లనే అవుతుంది. మా దగ్గర ఉంది అహంకారం మీకు. హలో, వెల్కమ్ టు ది సత్యాగ్రహ సెషన్. టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. అరే అనిల్ జీ, జరా అప్నా మైక్ బంద్ కర్. హా, we are going to interact with friends from Deccan Development Society in Pastapur, that is in Sangareddy district of Andhra Pradesh, and Satish and friends from there who have joined us. We can see the group sitting on the campus of what I believe is the Deccan Development Society, and we also have Jayashri Cherukuri ji, who will also be giving her comments. So Satish ji, can we begin with you, and can you begin by describing the work of Deccan Development Society? What exactly does it do, and who are the beneficiaries? And please also introduce our women friends who are sitting with you before you begin. All right. Here on to my right is, yeah, Narsamma. Okay. She is the head of the community media. भैया जी, हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही. अरे अनिल जी, ये तेलंगाना के लोग हैं, ये हिंदी में नहीं बोल पाएंगे, तो मैं इनकी बातों का मैं बीच बीच में हिंदी में बता दूं. तो या गो अहेड. ये हमारी कम्युनिटी मीडिया ट्रस्ट की चीफ है. And our DDS जो भी वीडियो वगैरह फिल्में वगैरह बनाती है उसका देखभाल करती है और पूरे मीडिया टीम का लीडर है. और ये मेरे लेफ्ट को है जनरल नरसम्हा. यहाँ बहुत सारे नरसम्हा है, उसके लिए कंफ्यूज मत होती है. ये जनरल नरसम्हा हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का चीफ है और DDS का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंडिया का पहला रेडियो स्टेशन है. और मेरे सामने, बिल्कुल सामने, और आपको उसका लोकेशन कहाँ है मैं बता नहीं सकता. वो उसका नाम है मुगलम्मा. मुगलम्मा एक फार्मर है, सिंगल वुमन है, और इनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, नारी शक्ति पुरस्कार और वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिंदी में इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करा दिया सबका. कोशिश कर रहा हूँ सब. जी नहीं, बहुत बढ़िया. मैं दोनों रोजम्मा जी से और मुगलम्मा जी से मैं मिलके बहुत हम लोगों को खुशी हुई. और अब आप आगे बताइए कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का क्या काम है. यू कैन स्पीक इन मिक्स्ड हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु. ठीक है, मैं भी अपना हिंदी को थोड़ा साफ ऑफ कर देता हूँ बीच बीच में. तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी 35 साल का ऑर्गेनाइजेशन है और 35 साल से यही गाँव में पस्तापुर में ये स्थित है. और इसका काम करीब करीब 5,000 औरतों से है और सारे छोटे किसान हैं और ड्राईलैंड किसान हैं. तो इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग होती है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनको केमिकल का यूज करना मना है. मना अपनी तरफ से नहीं, उनके खुद की तरफ से, क्योंकि ट्रेडिशन से वो केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करते. तो वो ऑर्गेनिक है बिल्कुल, अपनी अपने ही क्या करते, फ्रॉम देयर ओन बिलीफ दे आर ऑर्गेनिक. सो हम ये 5,000 औरतों के साथ हम काम करते हैं और मेनली ड्राईलैंड क्रॉप्स,
ज्वार बाजरा कोड़ो कुटकी ऐसे क्रॉप्स इनके होते हैं और जिनको मार्जिनलाइज किया गया था वो आजकल सेंटर स्टेज में आ गया है। मार्केट ने इस चीज को पूरा एक कोने में दबा दिया था, वो आज बहुत ही डिमांड में है और इसलिए ये लोगों का अपने क्रॉप्स के ऊपर, अपने खेती के ऊपर और अपने खुद के बल के ऊपर बहुत सारा, दे हैव ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ एंड दे आर नॉट ओनली लीडर्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज बट दे आर ऑल्सो लीडर्स ऑफ द रीजन एंड दे अटेंड नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दो नन ऑफ देम इज ए लिटरेट पर्सन एंड ऑल ऑफ देम आर बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन। दिस इज द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। और दूसरी चीज है कि हमारा, हम क्या कर रहे हैं तो इसके बारे में हमने सोचा है और वी से दैट वी आर कल्टिवेटिंग कम्युनिटीज एंड कल्टिवेटिंग कम्युनिटीज मीन्स ऑटोनमस कम्युनिटीज। सो वी सी ऑटोनमी इन फोर वेज। नंबर वन, ऑटोनमी ओवर फूड प्रोडक्शन विच वी हैव ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड इन द सेंस दैट ये औरतें उनके खेती के लिए कोई बाहर की चीज नहीं, दे डोंट नीड इट, उनको इसकी जरूरत नहीं होती है। अपना खुद का फर्टिलाइजर, अपना खुद का सीड, अपना खुद का ज्ञान, ये चीजों के ऊपर उनका व्यवसाय होती है। और दूसरा, ऑटोनमी ओवर सीड्स। सीड का ऑटोनमी हम समझते हैं ये आजकल का बहुत बड़ा पॉलिटिकल रोल है उसके लिए। टुमारो, सो वो उनका हो गया है। और तीसरा, ऑटोनमस मीडिया। जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो नरसमा बैठी हुई है वो अपने कम्युनिटी मीडिया ट्रस्ट का चीफ है और पूरे मीडिया का वो लीड करती है। और मेरे लेफ्ट में जो जनरल नरसमा है वो इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो का हेड है। और मेरे सामने मुगलामा जो है वो सिंबलाइज करती है, वो सिंगल वुमन है और बहुत ही छोटा, मतलब 1.5 एकड़ का मालिक है और 1.5 एकड़ में वो अपने अपने फैमिली के लिए जो चाहिए वो पूरा पैदा करती है और उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाती भी है और कंप्लीट स्वावलंब है। तो ये तीनों लोग हमारे हमारे काम का एक प्रतिबिंब है। जी, बस मैं आज ठीक है। बहुत बहुत खुशी हुई जान के अनिल जी, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये एक संगठन है तेलंगाना के संगारेड्डी जिले का, जिसमें 50,000 महिला किसानों के साथ ये काम कर रहे हैं। और ये देखिए, एक इसमें मुगलम्मा जी बैठी हुई हैं, जो जिनके परिवार में कोई पुरुष प्रधान नहीं है, वो खुद अपने परिवार का संचालन करती हैं और वो एकल महिला जिसको कहते हैं। और उनके पास 1.5 एकड़ की खेती है। ये महिलाएं सब स्वावलंबी हैं पूरी तरह से, जो कुछ भी इनको चाहिए खेती करने के लिए ये खुद अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करके करती हैं, यानी कि बाजार पे इनकी निर्भरता नहीं है। और इनका अपना मीडिया भी है, यानी कि जो जनसंचार का माध्यम है। तो ये जो हमारी दो महिलाएं बैठी हुई हैं सतीश जी के अगल बगल, नरसम्मा, दोनों का नाम नरसम्मा है, ये लोग वहाँ मीडिया की जिम्मेदारी इनके पास है। हमारे साथ
किसान आंदोलन से सुरमीत मावी जी जुड़े हुए हैं जो अखबार निकाल रहे हैं ट्रॉली टाइम्स। सतीश जी मावी, हाँ तो अनिल जी आपका कोई अगर अभी सवाल हो इन महिला किसानों से तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भैया, हम अभी पूरी बात समझ नहीं पाए हैं, ठीक है ठीक हम है। इसके बाद आपसे सवाल करेंगे। ठीक है तो अपना माइक बंद कर जी। तो सतीश जी, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट हाउ द फार्मर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ नेशनल मूवमेंट गोइंग ऑन यू नो फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस and we have Surmeet Mavi from that movement. He brings out the newspaper called Trolley Times there every week. Can you tell us whether these farmers are getting the minimum support price? क्या इन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तेलंगाना में मिल रहा है जो आपके साथ काम कर रही हैं? ज्यादा हद तक उनका अपना एक मार्केट है जी, autonomous market. So इसलिए उनका जो पैदावार है वो गवर्नमेंट के पास जाती नहीं है, तो इसलिए उन्हें न्यूनतम सपोर्ट का भी जरूरत महसूस नहीं होती है। और अपने एक मार्केट में बाहर के मार्केट का जो दाम है उससे 10% ज्यादा इनको मिलता है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए नहीं है। तो ये जो मार्केट है ये यहाँ से फिर सामान किसी बड़े मार्केट में जाता होगा, ये किस तरह से काम? सीधा कंज्यूमर्स के पास जाती है। अच्छा 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 अच्छा, सीधा कंज्यूमर्स के पास। तो ये तो बहुत अच्छा मॉडल। माइक बंद हो गया संदीप जी। जी जी, आपका माइक बंद हो गया। नहीं, मेरा माइक तो खुला है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी जी जी, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका अपना ही मार्केट है और वो सीधे कंज्यूमर्स को सामान पहुंचाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो परिवार है, आपने बताया कि ये पूरी तरह से स्वावलंबी हैं, तो इनके जो बच्चे हैं क्या वो सबको पढ़ाई पूरी मिल जाती है? इनके लिए वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं? और क्या वो जो भी मतलब जिंदगी में आगे पढ़ने के लिए जो भी अवसर चाहिए, क्या उनको लगता है कि वो अपनी खेती करके वो सारे अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं? मैं बिल्ल चतुर्थनारा मेरो मी व्यवसाय ला ये आमदनी वस्तो आमदनी नीचे आप पिल्ल చదువు అవన్నీ పూరై కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు? నమస్తే సార్, నా పేరు మొగలమ్మ. నమస్తే నమస్తే. మా ఊరు పుట్టపల్లి, నాకు ముగ్గురు పిల్లలు, మా భర్త చనిపోయిండు. అయితే ఒక ఎకరన్నర భూమి ఉంది, దాంట్లో ఒకటి నుంచి 25 రకాల పంట పెడతా. उसका डेढ़ एकड़ जमीन है जी। उसकी मर्द वो मर गया है और उसके 3 बच्चे हैं, वो पूरों का जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ती है जी। అయితే ఎకర్నరలా 25 రకాలు పంట పెడతా, దాంట్లో వచ్చిన ఆదాయం తోటి పిల్లలను నడుపుకుంటా, తర్వాత సొప్ప అమ్ముతా, ఇంకెక్కువైన ధాన్యం అమ్మి పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నాను. బచ్చోకు పడాతి Yes. ठीक है. सुरमीत मावी जी wants to ask some question. सुरमीत जी अपना माइक ऑन करके पूछिए. जी नमस्कार जी. जी नमस्कार सर, आई वुड लाइक टू नो अ कपल ऑफ थिंग्स आउट ऑफ विच फ्यू आर अबाउट दीज मीडिया एक्टिविटीज
as I come from that media background, or like Sandeep ji told, we are also running a newspaper from farmer protest at Delhi. Yeah. But first, I would like to ask, so when you sell directly to consumer, so do you ever think, क्या आपको लगता है कि जो एक बड़ा प्रोड्यूसर है, एक बड़ा ट्रेडर है, उससे कोई इस मार्केट पे मतलब असर पड़ता है कि वो उनको इतना शेयर नहीं मिल पाता है, या जो जो और भी बेटरमेंट हो सकती है, लाइक और भी लैंड, अगर जैसे आप ज्यादा सेल करते हैं, कभी आप ऐसी चीजें सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे हमारे नॉर्थ में इंडिविजुअल्स भी कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसको ठेका कहते हैं, ठेका बटाई वगैरह, जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में होता है, तो इस तरह से क्या बड़े किसी कॉर्पोरेट का या किसी बड़े सेलर का कोई कंपटीशन जैसा रहता है? पहला सवाल तो मेरा ये है. दूसरा, मैं मीडिया के बारे में फिर इसके आंसर के बाद पूछना चाहूंगा जी. तो यहाँ पर मेरा, जहां तक मेरा अंदाजा है, ये कॉर्पोरेट फोर्सेस जो है उनको इरिगेटेड क्रॉप्स, और जहाँ पर बहुत प्राइस डिफरेंशियल है, वो चाहिए. हमारे पास वो नहीं होता. हम पूरे ड्राईलैंड के हैं, और तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है. वो लो प्रोडक्टिविटी ये कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट नहीं करती है. ये पहली चीज़ है. और दूसरी चीज़, क्योंकि ये सब लोग ऑर्गेनिक हैं, मार्केट में इनका दाम बाकी लोगों के दाम से कम 50% ज्यादा है. वो दाम के साथ कॉर्पोरेट्स फाइट नहीं कर सकते. तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इनका बहुत बड़ा शील्ड है. ये हमारी सच्चाई है. राइट सर, थैंक यू. फर्स्ट मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट, आई सैल्यूट यू गाइस फॉर, जैसे आपने बोला, जो आपने एक ऑटोनॉमी एक अचीव कर लिया है सीड्स को लेके. सबसे बड़ी ऑटोनॉमी का आज प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि वो जीएम सीड्स जो हैं, वो उस पर कॉर्पोरेट का एक मोनोपोली हो गया है, और वो कंट्रोल में ही नहीं रहा है फार्मर्स के. दूसरा सवाल मेरा सर, ये मीडिया एक्टिविटीज को लेके, जैसे आपने बताया कि यू गाइज आर रनिंग अ मीडिया सेंटर, और एक रेडियो भी चला रही हैं जनरल मसम्मा, तो क्या ये डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के, ये फार्मिंग और इन सब चीजों के साथ इंटीग्रेटेड है क्या? मतलब उसके, उसमें क्या मैसेजेस, क्या कंटेंट्स, क्या चीजें रखते हैं? बिल्कुल इंटीग्रेटेड है. और हमारा ये उद्देश्य ये था कि मीडिया के ऊपर अर्बन एजुकेटेड लोगों का बिल्कुल उनका होल्ड है, और रूरल लोग उसके कंज्यूमर्स है, उसका प्रोड्यूसर्स नहीं है. तो ये बदलनी चाहिए. और रूरल लोग जो अनपढ़ है, जो महिला है, जो छोटे स्तर से आते हैं, उनको भी मीडिया के ऊपर एक जगह मिलना चाहिए एज प्रोड्यूसर्स. इसीलिए हमने दोनों स्टार्ट किया. और हमारा रेडियो 20 साल का रेडियो है, 20 इयर्स, 15 साल की रेडियो है, और रोज 2 घंटा ब्रॉडकास्ट करती है, और उसका कंटेंट वगैरह वही लोग डिसाइड करते हैं, और किसान लोग, महिला लोग, ये डिसीजन में पूरे उनका कंट्रोल है. और सिमिलरली हमारा मीडिया ग्रुप, वो अपने हिसाब से अपने फिल्में बनाती है, उसको दिखाते हैं, और उनके बहुत अच्छे फिल्में हैं. और जीएम क्रॉप्स के खिलाफ उनका एक फिल्म था, वो फिल्म इतना मशहूर हुआ कि आंध्र प्रदेश एक साल जीएम क्रॉप्स को होल्ड किया आंध्र प्रदेश में. और उनका एक साउथ अफ्रीका, माली, इंडोनेशिया,
और इंडिया के साथ मिलके बीटी इन द साउथ ऐसा एक फिल्म बनाया उन्होंने, वो फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर हुआ। ये बड़ा बड़ा उनका प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन छोटे से उनके साथ जो भी होती है नॉर्मल हिसाब से वो पूरा वो रिकॉर्ड करते हैं, वो रखते हैं, कभी कभी उसका फिल्म बनती है और उसको दिखाते हैं। Thank you, sir. That was so inspiring. We are really inspired from you guys. और हम भी सोचेंगे शायद जैसे हम लोगों ने एक डिजिटल मतलब अभी तो इंटरनेट पे रेडियो ट्रॉली टाइम्स नाम से हमारा एक पेपर छोटा सा एक निकाल रहे हैं हम, तो सचमुच में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली सर, ये शायद हमें भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू आपने आज यहाँ पे मुझे एक सवाल हमारा थोड़ा सा ले लीजिए। पहले अनिल जी जरा आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं जो बातें अभी बीच में हुई। एक तो ये जो किसानों का समूह है महिलाओं का, ये सब जैविक खेती करते हैं, ये कोई भी प्रकार का रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं डालते हैं। मैं जैविक पर ही बात करना चाहता हूँ। आप जरा इस बात वो मैं कर रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल उसका कर रहा हूँ तो इस पर हाँ जी। जिसकी वजह भैया मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि इनका जो ऑर्गेनिक खेती है उसका सिस्टम क्या है, जैसे मैं डीकंपोजर तैयार करके पहले उसमें ह्यूमिक एसिड तैयार करता हूँ और जो चावल से निकाली जाती है एक हफ्ते के बाद फेंकी जाती है, तो इनका सिस्टम क्या है ये ऑर्गेनिक खेती का, ये हम जानकारी थोड़ा चाहते हैं। अच्छा ठीक, हाँ सतीश जी ही वांट्स टू नो द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाउ इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो नॉलेज है जो ज्ञान है वो बाहर से नहीं आया, उनके ही विरासत है वो, सैकड़ों सालों से उनके कम्युनिटी में उनके माँ वगैरह वही किस्म के खेती कर रहे हैं, तो ये भी वही खेती करते हैं। हमने हमारा काम यही हुआ है कि आपने जो आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत चीज है, इसे हटिए मत, और जो कर रहे हैं उसके सर लिए हमसे जो भी मदद चाहिए वो मदद हम पहुंचाएंगे आपको, तो उनके स्टैंड वी स्टैंड बाय देम इन देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये हमारा रोल हुआ है, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है उनका, जो whatever has come to them from tradition, the same thing they are following, and the tradition is so good, we don't want to disturb it. So I think Anil ji wanted to know what kind of manure they use. Do they decompose something to make manure out of it? I mean, whatever was traditional decomposing, yeah, मतलब घर के पीछे जो बैकयार्ड फर्टिलाइजर्स होता था, जो भी कचरा था वगैरह था वो सब वहाँ फेंक देते और उसके ऊपर गोबरी फेंक देते और वो उसका जो गोबर बनता था वो बहुत ही पावरफुल गोबर है, वो उसी को यूज करते हैं। एक दो छोटा मोटा नया नॉलेज वो एक वर्मी कंपोस्ट का है और समृद्धि एरू बोलते हैं, वो एक तरह का एनरिच्ड कंपोस्ट और तीसरा जीवामृतम पंचगव्य ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उनका वो जो कंपोस्ट का यूज बैकयार्ड कंपोस्ट का यूज है वो बेसिक है। अनिल जी वो बता रहे हैं कि जो इनके पारंपरिक तरीके हैं खेती के उसी का वो लोग इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे भैया मैंने समझा है, लेकिन इनसे एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने बर्मी कंपोस्ट की बात की है जी,
बर्मी कंपोस्ट में भी तैयार कर रहा हूँ, लेकिन बर्मी कंपोस्ट में वो ताकत नहीं है। जब हम डीकम्पोजर करके 50 किलो गोबर को तैयार करते हैं एक महीने के बाद, तो वो एक ट्रॉली गोबर के बराबर काम करता है, ऐसा आया है, एक प्रैक्टिकल हुआ है हमारा। और दूसरा ये है कि जो ये उसकी लेड़ी होती है बकरी की और भेड़ की, जी बोलिए अनिल जी, आपका कट गया आवाज। बर्मी कंपोस्ट करता है पलम ये भी कंटेनर इनको दे कोटे में चप्पल आया उनका माइक वापस। नहीं नहीं वो लगता है कुछ कुछ कट गया। तो ये सतीश जी ये बताइए कि जो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा जो कम्युनिटी है ये स्वावलंबी है, लेकिन जो सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या आपका जो हाउसिंग स्कीम्स है या जो पेंशन स्कीम्स है, क्या ये सब का भी ये सब भी गवर्नमेंट से ठीक ठीक मिले बिना करप्शन के, या जो मनरेगा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, क्या उसमें भी लोग काम करके कुछ सरकार की योजनाओं का फायदा भी प्राप्त करते हैं, या वो बहुत उसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते, यहाँ इसका आपका क्या रवैया? हाँ वही वो आपने जो लास्ट में कहा वही ठीक है, हम उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। और ये DDS के ग्रुप्स जिसको हम संगम्स बताते हैं, संगम्स का इतना सारा दे हैव सच ए इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट एंड द लोकल पॉलिटिशियंस, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, व्हाट उनका जो भी करप्शन होता है वो इनके साथ नहीं होती है, बाहर होती है। और जो भी उनका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इन तक पहुंचती है। यहाँ पर शायद हर एक औरत गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोग्राम से बेनिफिट हुई है, और PDS को तो इस्तेमाल करते ही हैं। हमारा एक अल्टरनेटिव PDS बोल के हमने किया, शायद आप यूट्यूब में देख सकते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो अगर कम्युनिटीज अपना खुद का PDS बनाते हैं तो वो कितना अच्छा रहेगा, वो इश्यू था उस पर। और हम मिलेट के लोग हैं इसलिए हमने राइस बेस्ड PDS को हमने नहीं माना, मिलेट बेस्ड PDS हमने खुद किया। तो हमने सही हमने प्रूव किया कि कम्युनिटीज कैन डू देयर ओन PDS एंड विद देयर ओन काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड देयर ओन काइंड्स ऑफ फूड्स। ये थोड़ा सा ये बहुत आप रोचक बात बता रहे हैं कि ये समुदाय का खुद का एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, तो ये जरा सा थोड़ा सा बताइए। YouTube तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें जो अनाज आप देते हैं क्या वो जो अतिरिक्त उत्पादन है परिवारों का, उसको कहीं इकट्ठा करके उसको आप कहीं स्टोर करते हैं, फिर उसको कितना कितना हर एक परिवार को देते हैं हर एक महीने में, थोड़ा सा ये अंदाजा दीजिए। जैसा आपने सोचा वैसा ही है, और जैसे गवर्नमेंट बनाती है वैसा ये लोग भी राशन कार्ड्स बनाते हैं, और इसको जोवार कार्ड्स बोलते हैं हम। और जोवार कार्ड्स हर समुदाय अपना एक PRA करती है, और PRA के हिसाब से तय करती है कि हर फैमिली को कितना अनाज चाहिए, उतना अनाज उनके कार्ड पे लिखी जाती है, वो हर महीना दी जाती है। अच्छा, तो क्या हम ये माने कि इसमें से कुछ ऐसे जो किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, जो ज्यादा उत्पादन करते हैं, वो जिनके पास कम जमीनें हैं, जिनका उत्पादन कम होता है, इस सिस्टम के माध्यम से उनकी मदद करते हैं? मतलब हमारे पास बड़े किसान तो है ही नहीं जी, सब छोटे किसान हैं।
और लेकिन छोटे किसान में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना पूरा फूड मिल जाता है अपनी खेती बाड़ी से, तो उनका ज्यादा हम ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन जो जिनके पास उतना जमीन नहीं है या जमीन ही नहीं है, तो उन लोगों का ये इट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ दोस पीपल। तो इसमें इसमें भूमिहीन मजदूर भी शामिल है आपके संगठन? सब सब सब। तो ये जो भूमिहीन मजदूर है, क्या वो दूसरे दूसरे को खेत को बटाई पे लेके करते हैं, शेयर क्रॉपिंग करते हैं, या वो कैसे काम? ज्यादा क्या बोलते हैं, लेबर के हिसाब से करते हैं। अच्छा, लेबर के हिसाब से करते हैं जी। शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम आपके यहाँ नहीं है? हाँ, अच्छा, धीरे धीरे कम हो जा रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आपने बताया कि ये जो संगम है, तो एक संगम में कितनी महिलाएं या कितने परिवार शामिल होते हैं? 30 से 80 तक। 30 से 80 तक। तो आपने बताया कि इनका दबाव ऐसा रहता है सरकारी अधिकारियों पे और जन प्रतिनिधियों पे कि इनके साथ जो योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ इनको पहुंचना चाहिए, उसमें वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। नहीं तो कर। आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये जो संगम है या जो पूरा संगठन है, क्या इसका राजनीति में भी कोई दखल है? कभी आपने कोई कैंडिडेट्स वगैरह खड़े किए ग्राम पंचायत के स्तर पे? नहीं, हमने कॉन्शियसली हमने सोचा कि हमको इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई भी संगम का मेंबर राजनीति में भाग लेती है, तो लेटर टेक part in that. We will neither supporter nor holder back. Lekin as a Sangam, it will not be interested in taking part in the politics, because we feel that Sangam is an entity which has the support of all people in that village, all the poor. And once they start getting into politics, that support base starts shrinking. And they will be part of a politics and not fully in control of it. जी जी जी। नहीं, ये अच्छी बात है कि आपकी ये नीति है कि राजनीति में संगठन को भाग नहीं लेना है, व्यक्तिगत रूप से जो चाहे वो भाग ले सकता है। ठीक यही भूमिका जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है देश के स्तर पे, उन्होंने भी ये भूमिका ली है कि वो अराजनीतिक रहेंगे, किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, और उनके लिए उनके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपके किसानों को जानकारी है क्या? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। वो तो हमारे किसान थोड़ा आइसोलेटेड है। हाँ हाँ, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो आपका एक अपना मीडिया है, तो क्या इस मीडिया पे कभी ये राष्ट्रीय स्तर पे जो किसानों के मुद्दे हैं उसकी बात नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा, तो इस मीडिया पे जी जी, तो इस मीडिया पे वो अपनी आपस की जो बातें हैं, जो वो किसानी कर रहे हैं, उसमें जो उसको अपने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उनकी पैदावार हो रही है, वो सब उसकी बात करते हैं या क्या, कौन सी बातें करते हैं? बिल्कुल वही बात करते हैं जी। और वाला व्यवसाय में दानगुरिच का कुंडा इनके मार्टर दर में रेडियो महिला है, और उनका लीगल प्रॉब्लम्स क्या है और लीगल प्रॉब्लम्स को कैसा उनको टैकल करनी चाहिए जी। अपने हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए क्या क्या चीज है, ऐसा जो भी प्रॉब्लम उनका बिल्कुल प्रॉब्लम्स विच डायरेक्टली अटैक देम ऑन ए डे टू डे बेसिस, दोस आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच गेट डिस्कस्ड इन देयर मीडिया। जी जी जी। तो मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, आपका जो ये एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितना दूर है? 50 किलोमीटर। तो हेल्थ फैसिलिटी क्या है पास में? है, पीएचसी है। पीएचसी है हाँ, और पीएचसी तो
हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर वो जो 5 किलोमीटर में वो पीएचसी है, लेकिन हमने अपना अपना ही एक हेल्थ सिस्टम को बनाया लोकल नॉलेज के ऊपर। हर हर गांव में अपने हेल्थ कार्यकर्ता होती है और हेल्थ कार्यकर्ता अपने संगम मेंबर्स का जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करती है। अच्छा, और जो गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम है जिसमें आशा वर्कर्स होती हैं हर एक ग्राम पंचायत में, वो भी सिस्टम है वहां पे काम कर? अच्छा अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में तो हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना में भी लखनऊ में काफी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है खास करके लोअर लेवल पे पीएचसी लेवल पे वो कितना इफेक्टिव है? वहां जाने पे डॉक्टर मिलते हैं क्या और सही से इलाज करते हैं, दवाएं मिलती हैं, जरा इसके बारे में बताइए। दवाखाना पोते डॉक्टर ले दुरुपतरा माटाड़तरा कूली इस्तरा दे से दैट it works quite smoothly. Okay, they are satisfied with it. Yes. Acha, in case of emergency, do they have to go to the nearest city or district headquarter? I mean, the local block headquarters is 5 kilometers away. Yeah. And another block headquarters is 10 kilometers away. So that is the first stop for them, and okay. Then if they have to go to the district, they have to travel 50 kilometers. Right. Acha, and what about the education system? Until what class can children study in this area? 10th. And for 12th, how far they have to go? From this village, 5 kilometers. Okay. And if they have to go to a college for getting a degree? Even for college, that's the distance. Only for post-graduation, they have to go to the district headquarters. Okay. And what is the name of the district headquarter? Sangareddy. Achha, that is also called Sangareddy. Yeah. Okay. And this is how far from Hyderabad? 50 kilometers. No, from Hyderabad. Sangareddy. Also 50 kilometers. Oh, this is also 50 kilometers. Achha. Okay. अनिल जी, आपका और कोई सवाल है? ये जो महिला किसान है यहाँ पे उनसे। जी भैया, वो जो इन्होंने ऑर्गेनिक सिस्टम बताया उस पर थोड़ी सी चर्चा चाहते हैं हम। बीच में हमारा कनेक्शन कट गया था। जी और मैं ये चाहता हूँ कि इनका ये जो पंचगव्य से लेकर कई चीजें बताई इन्होंने, तो इसमें क्या क्या सिस्टम होता है? बर्मी कम्पोस्ट तो हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन बर्मी कम्पोस्ट उतनी ताकतवर नहीं है। और होता यह है कि जब से हमने डीकम्प्रोजर किया लाए, उसको तैयार किया, तो वो रिजल्ट ज्यादा बढ़िया दे रहा है। और उसमें जो जिब्रेलिक एसिड तैयार होता है वो बकरी की लेड़ी से, वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो इनका क्या सिस्टम है और किस सिस्टम से ये काम कर रहे हैं? तो ऑर्गेनिक पर थोड़ा सा हम चर्चा चाहते हैं आपसे कि कैसे ये काम कर रहे हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए आपको साइंटिफिक टर्म से बता नहीं सकता, लेकिन जो फार्मर्स मेरे साथ हैं वो लोग बता रहे हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट जो फार्मयार्ड मैन्योर में जितना ताकत है उतना ही ताकत बताते हैं हमारे खेतों में। और दूसरा चीज आपने और एक चीज बता, वो बकरी का इससे जो एसिड की बात आपने कहा, मैं नहीं जानता उसको। पेंडा एसी दानिकी जरेलकु मंची तिंडी अंटे पेंडा एसी अन्य रकल आकेसी वाडेस्ते मंची इस्तदी। आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने में अगर क्या बोलते हैं गाय का ये गोबर आपने इस्तेमाल किया, किसी जानवर का गोबर आपने इस्तेमाल किया और उसके अंदर अलग अलग किस्म के
ఆకులు పత్తే అలగ్ అలగ్ కిస్మ్ కే పత్తే డాలే ఐసా ఉస్కే అందర్ ఔర్ జైవిక్ పదార్థో కో ఆప్నే మిలా తో వర్మీ కంపోస్ట్ ఉత్నా హీ అచ్చా హో సక్తా హై జైసా ఆప్కా ఫార్మాట్ బన్ జోర్ గయా జీ జీ जी अनिल जी वो ज्यादातर जो है ऐसा सतीश जी की बातों से पता लग रहा है कि जो पारंपरिक तरीके से खाद बनाने के वो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जो बता रहे हैं ये कुछ नई जो तकनीकी आई है हाँ, उसी पर हम काम कर रहे हैं भैया हम उसी पर काम कर रहे हैं और इनसे एक जानकारी और चाहते हैं हम कि क्या ये लोग वो एक ड्रम पानी में 2 किलो बेसन 2 किलो गुड़ और पीपल के नीचे या बरगद के नीचे की मिट्टी 2 किलो और एक ड्रम पानी वो 1 एकड़ के लिए अवेलेबल होता है ऐसा कुछ प्रयोग इन्होंने किया है नहीं भैया हम नहीं किया प्रयोग नहीं कर पाते जीवामृत आपने तैयार की हाँ जीवामृत में आपने क्या क्या डाला जीवामृत हमने ही में से जी कैसे तैयार किया ये हम जानकारी चाहते हैं पंचगव्यंत ये कितनी कितनी मात्रा में कौन चीज डाली जाए जीवामृत तैयार हो लगता है कनेक्शन कट गया పుట్టమన్ను ఆవు పంచకము బెల్లము సున్నము వేసి దాన్ని తయారు చేస్తారు గాయ కా మూత్ర హోతా హై జీ ఔర్ एक ड्रम में कितना डाला जाता है गाय का मूत्र आप ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन मत पूछिए नहीं ये भाई जब हम तैयार करेंगे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो तैयार कैसे करेंगे ये बताओ तो और एक बार आप आइए उसकी मात्रा तो आपको बतानी ही पड़ेगी अरे हमारे साइंटिस्ट लोग जो है उनको बुलाएंगे वो लोग आपको बताएंगे और हम इसके लिए तैयार नहीं थे अनिल जी उनका जी, कहना जी, है कि अनिल जी मैं आपको सतीश जी बता दूं कि अनिल जी एक बार अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में वो मूंगफली का जो कोऑपरेटिव बना है किसानों का हाँ, वहां पे एक बार देखने के लिए गए थे हाँ, मैं कभी अनिल जी को आपके यहाँ भेजूंगा ये जाके वहां पे आपका पूरा सिस्टम जो है वो उसको देख के आएंगे बिल्कुल भेजिए अगस्त सितंबर में भेजिए जी 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 लेकिन आप जरा ये बताइए कि जो आप बात बताने जा रहे थे उसको पूरा कर दीजिए कि उसमें गाय का मूत्र है और क्या क्या डालते हैं अदांटे मुंटा दे बेल्ला मुंटा दा गुड़ चूना और ये सांप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप केंचुल सांप का केंचुल हाँ जो उसका जो कवर होता है नहीं 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 हाँ उसका घर सांप का घर अच्छा सांप का घर अच्छा 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 उसका मिट्टी उसका मिट्टी ठीक ये सब मिलाते हैं उसमें जी 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 तो अनिल जी लेकिन आप इनकी बात ये समझिए कि ये जो पैदा करते हैं उसका दाम बाजार में बिकने वाली चीज से 1.5 गुना होता नहीं भैया ये तो यहाँ भी मार्केट में मांग है इसीलिए मैं जुटा हूँ इस पर और यहाँ उन्नाव में जो डिप्टी डायरेक्टर ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक का ही उत्पादन ले रहे हैं और वो 1.5 कीमत दे रहा है यहाँ बहन से कि ये सब कैसे तैयार किया जाए घन जीवामृत कैसे तैयार हो जीवामृत कैसे तैयार हो और ये आपका थोड़ा सा प्रयोग चल रहा है वो अगर हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा जी 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 आप आइए इधर भाभी जी आपको पूरा बताएंगे और हमारे लोग कैसे बनाते हैं उसको दिखाएंगे आपको जी जी अनिल जी ये हैदराबाद के पास हैं ये लोग
वहां से बता रहे हैं कि करीब 100 किलोमीटर है, तो जी जी 50 किलोमीटर जो है जिला मुख्यालय है और वहां से 50 किलोमीटर इनका गांव है। तो आप कभी हैदराबाद जाके और इनका जो पूरा तरीका है खेती करने का उसका आप अध्ययन करके आइए, ठीक है? तो आपने ये कहा है अगस्त सितंबर में आइए। हाँ जी जी जी, अगस्त सितंबर में वो क्या है, तो अगर तो सितंबर में हाँ, अगर कोरोना का ये जो प्रकोप है थोड़ा कम हो जाए तो फिर आप जरूर जाइए वहाँ देख के आइए। चावल की भी खेती होती है वहाँ पर? धान? हाँ धान नहीं, बहुत कम होता है। अच्छा, किस चीज की? मूंगफली होती? कौन सी चीज होती है अधिक संख्या में? ज्वार, बाजरा, कंगनी और अरहर और थोड़े से अलग अलग किस्म के दाल और कुछ ऑयल सीड्स, ये हमारे पास होता है। हमारे पास एक चीज पैदा नहीं होती है, 10-12 चीज पैदा होते हैं। जी, ये खरीफ में आप क्या करेंगे? ये जो आने वाला टाइम आ रहा है, अभी तो जायद का पीरियड चल रहा है, और खरीफ में जो है उसमें आप क्या करेंगे? खरीफ हमारे पास जून में स्टार्ट होता है, जून तक पूरे जमीन का जोत हो जाता है और जून में उसका क्या बोलते हैं, बीज लगाना, वो काम शुरू होता है। वहां से फार्मिंग साइकिल का शुरू। नहीं, वो अनिल जी पूछ रहे हैं आप किस चीज का बीज लगाएंगे, कौन सी फसल आप लगाएंगे? एक चीज हम नहीं बनाएंगे, ज्वार, बाजरा, अरहर और कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25। जी जी, तो 12 से 25 चीजें ये उगाते हैं अनिल जी। और जरा सतीश जी बताइए कि आप क्या मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं, मतलब एक ही खेत में एक से ज्यादा फसल भी लगाते हैं? जो बोल रहा हूं सब मल्टी क्रॉपिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, अनिल जी ये आंध्र प्रदेश में मैंने देखा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो इलाका है, कि एक ही खेत में किसान कई फसल लगा देता, तो ये इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है अपने उत्तर प्रदेश से। नहीं भैया जी, एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, कि जैसा यूपी में हम तीन ऋतुएं होती है, जी जी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, तो इधर हम नवंबर में गेहूं बोते हैं, ठीक, और अब इस समय कटरा कट गया है, जी जी, अब इसके बाद धान की तैयारी करेंगे, जी जी, चावल का उत्पादन होगा, जी, और इस खरीफ में मक्का भी होता है हमारे यहाँ, बाजरा भी, जैसा आप कह रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, जी जी, और इसके बाद फिर हम खरीफ के बाद फिर मतलब फिर तैयारी करते हैं गेहूं की, या बीच में कोई ऐसी फसल ले लेते हैं जिसमें मूंग और उर्द हो जाता है। ये बीच का जो पीरियड होता है, इस समय गेहूं कटने के बाद इसे जायद बोलते हैं, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज हो जाता है बीच में, तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम है आपका? बिल्कुल, हमारे पास दो है, खरीफ और रबी, और खरीफ सितंबर तक चलता है और सितंबर के बाद रबी क्रॉप्स शुरू होते हैं, और खरीफ में जैसे मैंने बोला ज्वार से लेके 25 किस्म के अलग अलग पैदा होते हैं, और सितंबर में उनका कटाई हो गया तो रबी शुरू होता है। रबी में ज्वार होती है, चना होता है और 7-8 किस्म के 7-8 पैदा होता है। जी जी, वही परिस्थिति यहाँ भी है। दूसरी चीज एक बात कहना चाहूंगा, सिंचाई के क्या साधन है? सिंचाई के कुछ नहीं है, आप प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल हाँ, तो यही तो यूपी में अंतर है। यूपी में तो हर खेत पर बोरिंग है, हाँ, और हम लोगों के पास 7 बोरिंग है इस समय।
और इंजन का सिस्टम है, ऊपर से ही पानी 4 इंची खींच लेता है, ऐसा सिस्टम है। और यहाँ जहाँ से हम बात कर रहे हैं तो ये तो मैंगो बेल्ट है, आम का उत्पादन होता है यहाँ पर। हाँ, क्या इस प्रकार फलों की भी खेती करते हैं आप वहाँ? हमारे पास भी आम होता है, बहुत ही खास है यहाँ का आम और मशहूर है, लेकिन उसके लिए सिंचाई नहीं होती। हाँ, ये समस्या है, सिंचाई नहीं। और लीची और ये सेब भी होता है? लीची नहीं, जाम, जाम होता है। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं। जाम नहीं जानते हैं? नहीं, आम तो जानते हैं, लेकिन जाम आप कह रहे हैं ना? हाँ, तो जाम हम नहीं जानते कि जाम के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, जाम नहीं, जाम। चलिए चलिए, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग का समय भी खत्म हो रहा है, तो जी जी, राजकुमार भारत जी कुछ पूछना चाहेंगे तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। राजकुमार भारत जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। माइक, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पांडे जी? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, मैं अभी जुड़ा हूँ आपसे, पूरी डिबेट तो नहीं मैं सुन पाया, अनिल जी की बात सुन पा रहा था मैं। तो ये जो जीवामृत जो है, ये कुरुक्षेत्रा के अंदर हमारे साथी हुआ करते थे, जो आजकल गवर्नर हैं देवव्रत आचार्य जी गुजरात के, तो ये जब आजादी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ तो ये जिला के प्रधान थे उस वक्त। ये तो इन्होंने कुरुक्षेत्रा के जो विश्वविद्यालय है, गुरुकुल बना हुआ, वहां जीवामृत का इन्होंने भी उसमें काम किया है, वो देख सकते हैं आगे उसके अंदर गुड़ वगैरह मिला के और जो गाय का मूत्र वगैरह बना करके बनाते हैं, वहां भी मल्टीपर्पज का होता है। तो अनिल जी से मैं ये कहूंगा कि वहां आकर के उनका भी देख सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। तो जीवामृत के ऊपर तो उन्होंने काम किया है, उसके ऊपर जो ये जो आप ऑर्गेनिक खेती बोल रहे हो, इसके अंदर हरियाणा में भी पंजाब में भी तो थोड़ी थोड़ी क्यारी के अंदर मल्टीपर्पज करते हैं लोग, और करनाल के अंदर तो NDRI है और ICR है, वहां भी मल्टीपर्पज के छोटे छोटे बना करके चलते हैं, जीवामृत भी बनाते हैं NDRI और ICR में, जो कृषि विज्ञान संसाद अनुसंधान है वहां पर, तो वहां भी देखा जा सकता है। हैदराबाद तो बहुत दूर पड़ेगा ना जाके। जी जी, तो मेरा तो ये इतना कहना था मेरा इनसे, बाकी आप समझदार हो, आप पांडे जी बहुत बुद्धिजीवी हो, ठीक है, तो आप सब जान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। अब आप राजकुमार जी अपना माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब कार्यक्रम समाप्त करेंगे, समय हो रहा है। जी तो जी, सभी का धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल सतीश जी से पूछूंगा जी, जी। सतीश जी, ये जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है, ये क्या NGO है या क्या है? ये NGO, तो आप फंडिंग लेके काम करते हैं या आप भी कम्युनिटी की तरह आपका भी अपना कुछ लोकल सपोर्ट बेस ही? दोनों तरफ से अच्छा, लोकल सपोर्ट और फंडिंग, पर आपका मेन फोकस जो है ये औरतों की फार्मिंग पे ही है? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत खुशी हुई आपके साथ मिलके, और ये महिलाएं जो आपके साथ बैठी हुई है इनको भी हमारा नमस्ते कहिएगा, हालांकि ये शायद मेरी भाषा नहीं समझ पा रही है। और नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, एक बड़ा नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप लोगों की बात हम लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं जरूर हम लोग जरूर किसी न किसी दिन, हमारे अनिल मिश्रा जी जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ किसान है और वो खुद अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने शुरू की है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों का सीधा संपर्क भी बने और आपस में मिलना जुलना हो, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमको समय दिया और अपने पूरे चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया, और बहुत जान के खुशी हुई कि आप बिना आर्टिफिशियल पानी के सिस्टम के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के, और अपना आपने मार्केट बनाया है जो सीधे कंज्यूमर को अपना सामान बेचता है, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और आपने बताया 50,000 महिलाएं हैं आपके साथ सतीश जी? 5,000
अच्छा 5000 फिर भी काफी बड़ी संख्या है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, और हम लोग आगे भी संपर्क में रहेंगे। आपको भी धन्यवाद, बहुत साल बाद हमने बहुत ही शुद्ध यूपी की हिंदी सुना, बहुत खुशी होती है। जी, हम लोग माफी चाहते हैं कि हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले सिर्फ एक भाषा जानते हैं, और बाकी देश के लोग एक से ज्यादा भाषा जानते हैं, तो आपके बहुत आभारी है इसके लिए कि आप हमारी भाषा बोल लेते हैं। धन्यवाद। देश की भाषा है पांडे जी। अरे भाई, सिर्फ उत्तर भारत की भाषा है, देश की भाषा नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।